हेलो फ्रेंड्स, योगा विद रानी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेग्स को कैसे मजबूत रखेंगे उसके लिए कुछ एक्सरसाइज, कुछ वर्कआउट मैं आपके साथ आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। पहले हम देखते हैं अपने लेग्स को कैसे स्ट्रॉन्ग रखें और जो लेग्स वीक हो जाते हैं वो किस साइड इफ़ेक्ट हो या तो क्या कमज़ोरी हो जाती है जिससे आपके लेग्स आपको वीक बना देते हैं। पहले हम देखते हैं लेग किस चीज़ से वीक बन जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो आपका विटामिन जब कम होता है आपके बॉडी में तब ये प्रॉब्लम होगी। सबसे ज़्यादा विटामिन सी और डी अगर आपके बॉडी में कम है तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आपका कैल्शियम भी कम हो जाएगा तो भी आपको लेग्स में प्रॉब्लम होगी। दो लेग्स ऐसे हैं जिससे हम अच्छे से अपना बैलेंस रख सकते हैं, अच्छे से खड़े रह सकते हैं, ये दो लेग्स हैं। और सबसे ज़्यादा लेग्स में प्रॉब्लम होती है कि मांस, जो मांसपेशियाँ हैं वो खींचने लगती हैं। ये जो आपके ये लेग्स हैं इसमें पीछे वाले जो साइड्स में हैं उसमें आपकी नस खिंच जाती है। हम बोलते हैं कि मेरी नस चढ़ गई है, मेरी नस खिंच गई है, वैसा कुछ नहीं है। बस आपका जो वर्कआउट है, आपका जो वर्क करने का रूटीन है उसका लेग्स का, वो कम हो गया, उसके चलते ये होता है। और विटामिन सी और विटामिन डी भी आपका जब कम हो जाता है तो भी ये दिक्कत आती है। आप अपने लेग्स को अगर बैठे, आप अपने घर में बैठे हो, आराम से अभी बात कर रहे हो, या तो आप मोबाइल लेके बैठे हो या तो फिर आप टीवी देख रहे हो, तो भी आपके लेग्स के आप मूवमेंट शुरू रखना तो भी आपका लेग्स का आधा से ज़्यादा वर्कआउट आपका यहीं पे हो रहा है। बस अपने लेग्स को आप घर में ही बैठे, अगर आपको बाहर चलने जाने के लिए जगह नहीं है तो आप घर में भी इसके चलना तो बहुत, मतलब ये तो एक्सरसाइज है ही है, लेकिन आप घर में भी बैठे हो तो लेग्स की एक्सरसाइज आप कर सकते हो। क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज आप बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी लेग्स की। उसके बाद अगर आपके लेग्स में जो नसें खींच जाती है, मांसपेशियाँ खींच जाती है, लेग्स में जो घाटिया की बीमारी है वो भी उसी से हो जाती है, क्योंकि आपके जो मांसपेशियाँ वो कमज़ोर हो रही, उसके चलते ये हो जाती है। सुन्नपन आ जाता है, आपके लेग्स फूल जाते हैं, चलने के बाद एकदम सूजन आ जाती है, तो ये उसी के चलते हो जाता है। अब उसके लिए आप जो भी आप तेल यूज़ कर रहे हो, ऑयल यूज़ कर रहे हो, उसे आप मसाज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सरसों का ऑयल का रिकमेंड करूँगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा जो नेचुरल है, आयुर्वेद वाला ऑयल है वो वही है। तो आप उसी से, सरसों के ऑयल से भी आप उसको गर्म करके थोड़ा सा, या तो उसमें उसके अंदर आप लहसुन अजवाइन थोड़ा सा उबाल के उसके अंदर आप देखें, वो तेल से आप अगर मालिश करोगे डेली, आप मालिश करना, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप डेली मालिश करना, आपको देखना 2 वीक में आपको इसमें फ़र्क मिल जाएगा। और एक 40 की एज के बाद तो आपको ये दिक्कत आना ही आना है, तो आपको थोड़ा सा चलना भी पड़ेगा। अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है चलने के लिए तो आप घर में भी ये एक्सरसाइज आपको करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको दूध पीना है, क्योंकि कैल्शियम तो सबसे ज़्यादा दूध, दही, पनीर, बटर, इन चीज़ों से मिल जाता है आपकी बॉडी को, तो आपको दूध भी लेना है। और विटामिन डी और विटामिन सी, इन दोनों का भी आप जिसमें भी आप विटामिन सी और विटामिन डी ज़्यादा है आप उसको लेना है आपके रूटीन में, तो आपको उसमें भी फर्क मिलेगा। उसके बाद आप घर में बैठे हो तो उस टाइम ये नॉर्मल वाली एक्सरसाइज है, इसको ज़रूर रूटीन में रखना तो आपका हो जाएगा। कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिससे आप स्ट्रांग भी कर सकते हो अपने लेग्स को, या तो फ्लेक्सिबल भी करा सकते हो, वो दोनों भी उस एक्सरसाइज से आपको हो जाएगा। अब बैठे हो तो भी एक्सरसाइज हम तुरंत शुरू कर लेते हैं। अपने मांसपेशियों को हमेशा एक्सरसाइज करके एक्टिव बनाना है। उसके बाद सबसे अच्छा है तो आपका बटरफ्लाई वाला पोज, वो भी आप ऐसे ही बैठे 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 भी आप एक्सरसाइज, ये भी बहुत अच्छा, आपकी मांसपेशियां खुल जाएगी। चलो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की ओर। अपने लेग्स को फ्लेक्सिबल और मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइजेस हैं। अपना राइट लेग ऊपर लेंगे, एक हाथ अपना लोअर लेग के नीचे जाएगा और एक हाथ अपना थाई के नीचे जाएगा, और जब आपका सुन्नपन आ जाता है, आपके पैरों में जब सुन्न हो जाते हैं तो यही एक्सरसाइज आप करना। नीचे में एक हाथ नीचे में थाई में देना और एक हाथ लोअर लेग में देना, और अप डाउन अप डाउन।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और इसी में जब आपको फ्लेक्सिबल बनाना है तो आप क्या करना, सीधा इस लेग को पीछे लेके जाना और अपने सर पे लगाना है। फोर्थ हेड पे भी आप लगा सकते हो, जितना आप ले सकते हो। इसमें फ्लेक्सिबल भी बढ़ जाएगी और मजबूती भी आ जाएगी। टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। देन अभी चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अपने दोनों लेग्स को, दोनों लेग्स को और फुट का इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज करना है। बस अब हम चलते हैं उस हिसाब से आपको करना है। एक्सरसाइज इंटरेस्टेड भी है और हेल्पफुल भी है, दोनों भी है। इसमें फुट का भी एक्सरसाइज होगा, फिंगर्स का भी, टो का भी, हिल का भी और लेग्स का भी एक्सरसाइज होगा। आपके लेग्स भी मजबूत बन जाएंगे। आप 5 मिनट तक इसको जरूर ट्राई करना है। अभी चलेंगे थर्ड एक्सरसाइज की ओर। इसमें आप में आपको जो लोअर लेग है उसको ज़्यादा मजबूत करने के लिए एक्सरसाइजेस हैं। अब देखना अच्छे से, राइट लेग को आगे लेंगे, बैलेंस कर लीजिए। पहले बैलेंस करने के बाद आगे वाला लेग स्ट्रेट लेना है, पीछे वाला भी स्ट्रेट जाएगा, फिर बेंड होगा, फिर स्ट्रेट होगा। सामने वाला लेग स्ट्रेट होगा, फिर बेंड होगा, स्ट्रेट होगा, फिर बेंड होगा। फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी इसकी हो जाएगी। सेम ऑपोजिट, ये एक्सरसाइज करने से आपकी जो थाई की मांसपेशी है ये भी खुल जाएगी। एकदम इजी वाला है लेकिन बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइजेस है जो आपके दोनों लेग्स को मजबूत बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बैठे बैठे भी ये कर लेना, आपका रूटीन भी रहेगा और आपके लेग्स भी ओपन हो जाएंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।